देश में एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, वहीं अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बंगाल की रैली में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में CAA को लागू किया जाएगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है, आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण। वही तृणमूल कांग्रेस TMC ने इस पर पलटवार किया है। TMC सांसद और लोकसभा में पार्टी की आवाज मुखरता से रखने वाली महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर जेपी नड्डा को जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राज्य में जल्दी CAA लागू किया जाएगा, भाजपा सुन ले, हम आपको कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। संसद में जब इस विधायक पर चर्चा की गई थी, तब TMC की तरफ से महुआ मोइत्रा ने मुखरता से अपनी बात रखी थी। मोइत्रा की गिनती मौजूदा संसद में सबसे आक्रामक व्यक्तियों के तौर पर होती है। वहीं भाजपा को इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की उम्मीद है। पार्टी ने अभी से यहां चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल की सिलगुड़ी में एक बैठक के दौरान ममता सरकार पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि हमारी नीति सभी के विकास के लिए है। इस दौरान नड्डा ने कहा कि CAA को बहुत जल्द लागू किया जाएगा, COVID-19 महामारी के कारण इस कार्य में देरी हुई है। नड्डा ने कहा कि आप सभी को नागरिकता संशोधन कानून का लाभ मिलेगा, इसे संसद में पारित किया गया है। कोरोना महामारी के चलते इसके कार्यान्वयन में देरी हुई है, लेकिन जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, इसके कार्यान्वयन पर काम चल रहा है। आपके यहाँ होता था प्लांटेशन लेबर एक्ट, आप प्लांटेशन लेबर एक्ट को खत्म कर दिया है और मिनिमम वेजेस एक्ट में ही उसको डाल दिया है, इसलिए चाय के बागानों को भी वही लेबर मिलेगी और वही दाम मिलेगा जो मिनिमम वेजेस एक्ट में होगा, उससे वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ये कानून में परिवर्तन हुआ है, इसको हमको उसी तरीके से जैसे आपने नारायणी सेना की बातचीत भी की है, निश्चित रूप से आपने रखा है, मैं भी आपकी बात को आवाज दूंगा और उसकी ताकत के साथ हम रखेंगे। जहां तक CAA का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है, आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। CAA को बहुत जल्द लागू किया जाएगा, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।